बाबा नगरी देवघर में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध सावनी मेले का आयोजन लगातार दूसरी बार भी नहीं होगा। यही नहीं, बिहार से आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को दुम्मा बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा और उन्हें वहीं से वापस किया जाएगा। श्रावणी मेले के नहीं होने से कांवड़िया पथ के व्यापारी और छोटे छोटे दुकानदार काफी निराश हैं। बता दें कि जिस रास्ते पर कांवड़ियों को चलने में मखमली एहसास होता है, उस पर बड़े बड़े गड्ढों और नुकीले पत्थरों ने जगह ले ली है। रास्ते में रहने वाले ग्रामीण मेले के आयोजन इस बार भी नहीं होने से काफी निराश है। जब मेले का आयोजन होता था तो इन्हें अच्छी खासी कमाई होती थी और इससे इनका साल भर का गुजारा होता था, लेकिन अभी ने नहीं पता कि इस बार भी मेले का आयोजन नहीं होने से ये अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। यहाँ रोड पर आती रह लिए कुछ यहाँ मिलवे नहीं करते खाना उना, तो ठीक है अपने अथी कर दे कलिए बम चलते वो नहीं चल रहे बोलबम चलने से बहुत राहत मिलता था। राहत मिले चले ना कुछ होते काम खाच लिए कुछ होता काम रोजगार तक कारण चलिए दुकान तैयारी कर रहे हैं ताकि हम लोग का जो भी है रोजी रोटी यही दुकान से चलता है और कमरिया न चलने के बाद तो हम लोग का दिक्कत पड़ जाएगा। इस बार तो मेला होगा नहीं होगा? हम लोग का तो भरोसा था जो कि ऐसे सुने थे कहीं जो कि 25,000 या 50,000 बम को छोड़ेगा। अच्छा, तो इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी आस में दुकान तैयार कर रहे हैं। नहीं, इसी आस में हो रहा है। हम लोग मेला में कमाते थे, जीवन में इसी से नान रोटी चलता था हम लोग का। कोई नौकरी न कोई और कोई काम है ऐसा, अपना खेती गृहस्थी हल्का फल्का है, यही काम हम लोग कर रहे थे। यही मेला लगाए दुकान लगाते थे, मेला में यही कमाते थे, साल भर खाते थे। कितना एक मेले में कमाई हो जाते थे? हो जाते थे 20,000-30,000, किसी को 50,000, किसी को लाख रुपया ऐसे हो जाता था कमाइए। लगभग जितने दुकानदार हैं उनका एवरेज इतना ही होता था सबका। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।